नमस्कार, सोना न्यूज टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। बेड़ो विनय बगीचा स्थित डीएवी विवेकानंद पब्लिक स्कूल में स्वामी विवेकानंद जयंती पर स्कूल का 8वां वार्षिक उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। बेड़ो में स्वामी विवेकानंद जयंती पर विवेकानंद पब्लिक स्कूल का वार्षिक उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन अतिथि गंगोत्री कुजूर, भाजपा युवा नेता सन्नी टोपो और प्राइवेट स्कूल चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन आलोक कुमार दुबे ने संयुक्त रूप से किया। मौके पर पूर्व विधायक गंगा टाना भगत, सांसद प्रतिनिधि धनंजय कुमार राय, मुखिया सुशांति भगत सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस दौरान स्कूल के निदेशक कैलाश कुमार ने अतिथियों को मोमेंटो व शॉल देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गंगोत्री कुजूर ने कहा कि शिक्षा से ही बेहतर समाज का निर्माण हो सकता है। उन्होंने कहा, यह स्कूल शहरों की तर्ज पर आधुनिक ढंग से शिक्षा इस स्कूल के माध्यम से दी जा रही है। इससे प्रतीत होता है कि शिक्षा के मामले में ग्रामीण क्षेत्र अब शहरी क्षेत्र से किसी भी तरह से पीछे नहीं रहा है। लगातार 8 साल तक स्कूल के सफल संचालन के लिए निदेशक कैलाश कुमार को बधाई दी। वहीं सन्नी टोपो ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि आज युवाओं में भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है। अगर युवा स्वामी विवेकानंद के मार्ग बतलाए मार्ग पर चलें तो कोई ताकत नहीं जो भारत को विश्व गुरु बनने से रोक सके। उन्होंने कहा कि बच्चों को अच्छा नागरिक बनाने में माता पिता के बाद शिक्षण संस्थानों का अहम योगदान होता है। बच्चों को संस्कारवान बनाने के लिए शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देनी चाहिए। आलोक दुबे ने कहा कि अच्छी शिक्षा एवं संस्कार ही जीवन को एक नया रूप देते हैं। कार्यक्रमों में छात्रों में छिपी हुई प्रतिभा को निखारना आसान होता है। कैलाश कुमार ने कहा कि हमें खुशी है कि हमारा परिवार हर वर्ष बड़ा हो रहा है। हमारी कोशिश है ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का अलख जगाएं, बच्चों को शिक्षा आसानी से उपलब्ध हो, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। हमने इस कार्यक्रम की पूरी जिम्मेदारी बच्चों को दी है। बच्चे मंच संचालन कर रहे हैं, कार्यक्रम कैसे और किस दिशा में आगे बढ़ेगा यह सभी उन्हें ही तय करना है। हम चाहते हैं बच्चों के अंदर का डर खत्म हो ताकि भविष्य में वह किसी भी मंच पर खुलकर अपनी बात रख सकें। पिछला वर्ष स्कूल के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा। स्कूल को CBSE से 12वीं तक की मान्यता मिल गई है, जो हमारे लिए गर्व की बात है। वहीं स्कूल में प्री नर्सरी के 11वीं कक्षा के छात्रों ने एक से बढ़कर एक रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसमें गीत संगीत के साथ साथ समाज को संदेश देने वाला कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी शिक्षक व शिक्षिकाओं का अहम भूमिका रहा। सोना न्यूज बेड़ो से राज रॉय की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सोना न्यूज टीवी।